बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और इजी वे पे बना हुआ क्रोशे का टेबल मैट आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। आप इसे चाहें तो थालपोश के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। आप इसकी थोड़ी सी लुक चेंज कर लीजिए, इसमें किसी भी डिज़ाइन का फ्लावर बना के आप लगा सकती हैं। अगर इस तरह का फ्लावर आप बना के लगाना चाहती हैं तो इस तरह का फ्लावर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। देखिए, 4 नंबर मेरा क्रोशिया है और इस तरह का मैंने एक थ्रेड ले लिया है जो कि काफ़ी खूबसूरत कलर है। रियल में यहाँ कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट रियल में बहुत प्यारा कलर है और इसमें थ्रेड भी मेरा कम यूज़ हुआ है। तो चलिए बनाते हैं हम इसे। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉट बनाएंगे इस तरह से क्रोशे को लेते हुए। ठीक है, हमारी नॉट बन चुकी है। अब यहाँ पे हम चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 16 चेन लेने के बाद यानी कि हमने इसमें 16 चेन बना लेनी है और फर्स्ट वाली चेन में हमने इस तरह से क्रोशिया डाल के इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरह से। सेम डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस पूरी जो हमारी हमने चेन का सर्कल बनाया है उसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। मैं आपको पूरा इसमें कितने लूप्स बनाए हैं काउंट करके भी बता दूंगी। ठीक है, डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें अपने वर्क को कंटिन्यू रखना है इस तरह से। ठीक है, सेम हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे रिंग में हमने टोटल 28 जो है अपने सिंगल डबल क्रोशे बनाए हैं, यानी कि हमने इसमें 28 जो अपने डबल क्रोशे हैं कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा लूप्स है उसमें हमने क्रोशे डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 3 चेन लेंगे और 2 चेन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। तो ठीक है, 5 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने इस तरह से डबल क्रोशे बना लेना है और 1 चेन लेंगे हम और उसे नेक्स्ट वाले स्टिच में हम डालेंगे, फिर से हम डबल क्रोशे बना लेंगे। तो बीच में हमने 1 चेन लेनी है और नेक्स्ट स्टिच में हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने वर्क को कंटिन्यू रखना है। सेम हम इसी तरह ब्लॉक छोटे छोटे बना लेंगे अपने, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। ये वाली रो हमने इस तरह से बना ली है और लास्ट में एक स्टिच में आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। 1 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाना है। तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स और इसमें थ्रेड भी बहुत कम यूज़ होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। फर्स्ट वाले जो हमने लूप्स बनाए थे यानी कि हमने चेन बनाई थी, थर्ड वाली चेन में हमने क्रोशिया डाल के इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे से इंटर होना है। 1, 2, 2 चेन लेने के बाद दो बार हम थ्रेड को गैप करेंगे क्रोशे के ऊपर और नेक्स्ट ब्लॉक में हम डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 बार जो थ्रेड को हम ओवर करेंगे क्रोशे में तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे बन जाएगा। इसके ऊपर हमने 3 चेन लेनी है और फिर इसी ब्लॉक में हमने इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए 8 जो लूप्स हैं हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, इसी ब्लॉक में हमने 8 जो डबल क्रोशे है वो बना लेंगे। 8 डबल क्रोशे एक ही ब्लॉक में हम बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास थोड़ा पतला धागा हो तो आप इसके लूप्स थोड़े बढ़ा सकती हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास थोड़ा मोटा थ्रेड है तो आप इसके लूप्स कम भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। आप किस तरह से बनाना है देखिए, एक ब्लॉक हम छोड़ेंगे इसमें, एक ब्लॉक हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हमने देखिए एक ब्लॉक हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में इस तरह से क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके ऊपर 2 चेन लेंगे। 1, 2, 2 चेन लेने के बाद दो बार इस तरह से क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को गैप करेंगे और इसे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हम डाल के क्रोशिया इसे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2 और 3, 3 बार हम गैप करेंगे इस तरह से क्रोशे में और इसके ऊपर हमने 3 चेन और ले लेनी है और फिर इसी ब्लॉक में हमने फिर से अपने 8 जो लूप्स हैं वो बना लेनी है। 8 डबल क्रोशिया हम इस ब्लॉक में बना लेंगे इस तरह से।
तो देखिए यहाँ पे सेम मैंने यहाँ भी आठ अपने लूप्स बना ली हैं, यहाँ भी जैसे मैंने बनाए हैं, और सेम इसी तरह मैंने डबल क्रोशे यहाँ भी आठ बना लेने हैं। काउंट कर लीजिए आप जब बनाने लगे, तो इसी तरह काउंट करते हुए ही आप पूरा कंप्लीट कर लें। और इसे देखिए ये वाला ब्लॉक जो है हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हम डालेंगे। और सिंगल क्रोशिया से हम इसे इस तरह से बना लेंगे। दो चैन हम फिर से लेंगे और दो बार फिर हम गैप करेंगे क्रोशे के ऊपर थ्रेड को, और उसे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हम डालेंगे। और फिर से हमने इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए एक ब्लॉक बनाना है और थ्री चैन हम फिर से लेंगे। और सेम हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने फर्स्ट अपने पैटर्न बनाया है, सिर्फ सेम प्रोसेस पे ही पूरे यहाँ पे हमने पेटल बना लेनी है इस तरह की। तो इसी तरह कंटिन्यू रखें अपने वर्क को पूरा। इसी तरह हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है, इस वाले राउंड को। और यहाँ पे किस तरह से करना है, फर्स्ट वाली जो हमने पेटल बनाई थी उसके शुरू में हमने इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेना है। तो ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। 1, 2, 3 एंड 4 फोर चैन लेने के बाद देखिए हमारी जो पेटल का फर्स्ट लूप्स है उसमें हमने इस तरह से क्रोशिया डाल के इसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो हमारी चेन के ऊपर ही सरा है उसमें हमने डाल के इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेना है। तो ये रेडी हो गया है ये वाला राउंड। अब हम आगे आपको बनाना बताएंगे कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, चेन लेनी है आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 10 चैन लेके नेक्स्ट वाली जो हमारी पेटल है उसमें हमने फर्स्ट वाले लूप्स में डाल के इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है सिंगल क्रोशे से इस तरह से। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा बनाएंगे 1, 2, 3 और यहाँ भी हमने काउंट करते हुए 10 अपनी चैन बना लेनी है। और नेक्स्ट स्टिच में हमने डालना है, यानी कि नेक्स्ट वाली जो हमारी पेटल है उसके फर्स्ट लूप्स में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेना है। तो इसी तरह बीच में हमने 10-10 चेन लेते हुए इस रो को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पूरी रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। मेरी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह हम डालेंगे क्रोशे को और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले 1, 2, 2, 3 चैन लेने के बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। और इस वाली चेन में हमने 10 चैन ली थी और हम 10 ही इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 10 चैन हमने ली हैं और 10 ही हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेनी है इसी तरह। ठीक है, डबल क्रोशिया ही बनाना है सेम। देखें तो काउंट कर लिया है मैंने, 10 यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गए मेरे। ठीक है, और सेम हमने फिर इस ब्लॉक में भी 10 डबल क्रोशिया अपने बना लेने हैं। ठीक है, अब किस तरह से एंटर होना है, डबल क्रोशिया ही बनाना है हमने। नेक्स्ट वाले ब्लॉक में भी हमने डबल क्रोशे से ही इंटर होना है और 10 अपने यहाँ भी हम डबल क्रोशे बना लेंगे। और फ्रेंड्स बहुत इजी है और बहुत ही खूबसूरत से मेरा बन के तैयार होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। तो ठीक है, आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह सेम इसी पैटर्न पे ही पूरा राउंड को हमने कंप्लीट करना है। डबल क्रोशे 10 डबल क्रोशे हमने इन ब्लॉक में चैन वाले ब्लॉक में बनाते हुए इस राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे मेरा राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है और सिंपल सा है। 3 चैन लेंगे हम और 2 चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हम 5 चैन बनाएंगे और एक जो स्टिच है वो स्किप करेंगे।
देखिए एक जो हमारा स्टिच है वो हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में हमने क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ भी हमने इस तरह के ब्लॉक्स बनाने हैं, बीच में दो चैन लेके एक स्टिच हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन में हमने क्रोशिया डालते हुए डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह यहाँ भी हमने इस तरह के छोटे छोटे अपने ब्लॉक्स बना लेने हैं, बीच में दो चैन लेंगे और एक स्टिच स्किप करते हुए इस राउंड को पूरा हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सेम वैसे ही यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो पूरी रो है कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट वाले लूप्स में हमने इस तरह से क्रोशिया डाल के इसे ज्वाइन कर लिया है। और नेक्स्ट ब्लॉक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सबसे पहले दो चैन लेंगे और दो बार हम फिर से क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को गैप करेंगे और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हम क्रोशिया डाल के ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और उसके ऊपर हमने थ्री चैन और लेनी है। थ्री चैन लेने के बाद देखें फिर से हमने इसी ब्लॉक में डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस ब्लॉक में हमने आठ डबल क्रोशिया बना के अपनी एक पेटल फिर से रेडी कर लेनी है। तो इसी तरह कंटिन्यू रखें, डबल क्रोशिया ही हमने सेम बनाना है। इसी तरह हम ब्लॉक बनाते हुए इस राउंड में और इस तरह की पेटल बनाते हुए इस वाले राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए एक पेटल जो हमारी बन चुकी है, अब नेक्स्ट किस तरह से बनाने। देखिए एक ब्लॉक हमने बीच में छोड़ना है और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हमने इस तरह से क्रोशिया डाल के इंटर होना है, ठीक है, सिंगल क्रोशे से। और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हमने दो बार गैप करेंगे थ्रेड को और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हमने तीन चैन लेने के बाद डबल क्रोशिया हमने इसमें भी आठ डबल क्रोशिया अपने बना लेनी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी हम काउंट कर लेंगे कि यहाँ पे हमने कितने डबल क्रोशे बनाने हैं। तो सेम हर पेटल में हमने इस तरह ही चैन के साथ काउंट करते हुए आठ अपने डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेने हैं। एक ब्लॉक हम बीच में छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन कर लेंगे और थ्री चैन लेंगे, दो बार थ्रेड को क्रोशे के ऊपर गैप करने के बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में हम डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने सेम बनाना है जैसे हमने ये वाली बनाई है। पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको दो तीन राउंड और बना के दिखा देती हूँ पूरा कंप्लीट करने के बाद ये किस तरह से बन के आएगा। कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, आप चाहें तो इसे बड़ा बनाने के लिए एक दो राउंड और बढ़ा लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी करें मेरी आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अल्लाह।